ये कहानी है तब की जब बाप से धरती फट रही थी और तब इस जुल्म की आंधी को मिटाने पैदा हुई चार महादेवियां S.H.O हसीना मलिक, S.I. करिश्मा सिंह, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह और कांस्टेबल संतोष शर्मा, जिन्होंने मिलकर पाप का सर्वनाश किया, शहर में अमन और शांति कायम की। पर कहते हैं ना, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी, जहां भगवान है वहां शैतान भी, जहां हीरो है वहां विलन भी। और इस कहानी का विलन है S.H.O बुलबुल पांडे। बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के लिए घटिया बन की हद पार कर डाली। अपने थाने में आए सारे केस महिला थाने में भिजवा देने की घटिया चाल चली, फिर भी महिला थाने वालों ने हार नहीं मानी, ये लड़े और जीते। आखिरकार बेस्ट थाना कॉम्पिटिशन की ट्रॉफी इन्हीं के नाम हुई, जिनकी जिंदगी का बस एक ही नारा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, गजब। बिल्लू भाई आपका जवाब ने कसम से। एक और? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ एक कहानी और सुनाओ, एक मस्त कहानी सुनाओ। पिग पिग, एक और पिग। अच्छा अच्छा, एक पिग। ये बदनाम सुना, रिस्पेक्ट राइटर, ये अपना साहब के लिए एक पैक बना। हाँ बिल्लू भाई बिल्कुल, अभी बना के देता हूँ। बिल्लू भाई सच बोलू, क्या है कि आपकी नई कहानी बहुत अच्छी है, कसम से बहुत अच्छी है, लेकिन सच्ची नहीं है। एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि अभी तक एक कॉम्पिटिशन हुआ नहीं, इन थाने वालों ने ट्रॉफी जीती कैसे? राइट पॉइंट है भाई। देखो बिल्लू भाई, कहानी में झोल तो है, एक करिश्मा मैडम हसीना मैडम का तो झगड़ा हो गया, बराबर। सीना मैडम ने करिश्मा मैडम को सस्पेंड कर दिया, राइट? एकदम बराबर बोला। करिश्मा सिंह, हम आपको सस्पेंड करते हैं। कहानी भी गड़बड़ है, सही नहीं। एक और? हम यार, हम नहीं, पहले खत्म तो कर लो यार। एक और सब निकाला ना तो इस गिलास में डुबो डुबो के मारूंगा। अरे ये कहानी इंटरवल तक तक ही है। ये जो कंपटीशन है, ये अपना महिला पुलिस थाना ही जीतेगा। कैसे कैसे कैसे? बोलो बोलो बोलो। वो कैसे क्या बता, खाली खोपड़ी में आया, बोल दिया। बहुत ज्यादा हो गया, अब बस करो प्लीज, बस करो। एक और बात याद आ गई है, जो हम ये दारू का काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ओ किसी को पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा बिल्डिंग निवास गया। ये बताएगा, ये बताएगा। बिल्लू भाई मैं किसी को नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा, बोतल की कसम। आप ही हैं? हाँ हम ही हैं। मैं कैसे मानूं? मान लिया अभी है। मैडम अच्छा हुआ आप आए यहाँ, मैं आपको ही याद कर रहा था। वो मेरी कहानी रिसेस तक पहुंची है, तो आप उसको एंड तक पहुंचा दीजिए, मेरी मदद कीजिए। बिल्लू बिल्लू सुनो सुनो, मदद हमको चाहिए तुम्हारा, समझ रहे हो? आपको मदद चाहिए और हम नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आपको मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसे राइट लेफ्ट मत हो, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, आप सीधे खड़े रहो ना। एक सेकेंड, अभी तुम्हारा फोकस होगा, रुको। तुम अभी सीधा दिख रहा है ना हम तुमको? हाँ, अब तुम सुनो हमारा बात। अब जो हम तुमसे कहना चाह रहे हैं ना बिल्ले, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तुमको क्या करना है ना, अब जो भी रिपोर्ट, जो भी FIR, जो भी कंप्लेन आएगा ना थाने में, तुम सीधा हमको रिपोर्ट करोगे। मतलब वादी का नाम, एड्रेस, उसका फोन नंबर, सब कुछ तुरंत हमको फोन करके तुम बताओगे, समझ गए? पर क्यों? ये हमसे सवाल मत करो, तुम पर क्यों, समझ गए? जैसा कह रहे हैं वैसा करो। नहीं तो ये सेल्फी नहीं, वीडियो मैं हूँ। देखो, थाने में बैठकर हम ये दारू काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होना चाहिए, समझे? किसी को बताना नहीं तो मेरा बिल्डिंग निवास चला जाएगा। ये बताएंगे? ये मैं हूँ, कह दो ये सपना है, डिलीट कर दो इसको, आँख खुली पर सपना टूट गया। तोड़ेंगे हम तुमको, अगर तुमने हमारा बात नहीं माना। और ऐसा तोड़ेंगे ना बिल्ले कि दिन भर कड़कड़ कड़कड़ करते रहोगे, समझ गए? इसलिए हम जैसा कह रहे हैं ना तुम बिल्कुल वैसा करो, नहीं तो अगर हमने ये वीडियो पहुंचा दिया ना मैडम सर के पास, तो तुम्हें अभी थाना से ना आउट कर देगी। नहीं, लेकिन ये आपने जो कहा वो मैडम सर को पता चल गया तो भी तुम थाने से आउट हो जाओगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसका वफादारी में शहीद होना है, ये मैडम सर इनका साथ देना है, हा? जो दिन भर जज्बातों का खोखली पीपरी बजाती रहती लेकिन थाने के लिए कुछ नहीं करती है, या फिर हमारे लिए जो सिर्फ इस महिला पुलिस थाना के लिए नहीं बल्कि शहर के सारे महिला पुलिस थाना के मान सम्मान के लिए लड़ रही है। हम अपने महिला पुलिस थाना को नंबर 1 पे देखना चाहते हैं, समझ लो तुम? अब बताओ तुम्हें किसका साथ देना है, अब जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पूरा रात यहाँ नहीं बिताना तुम्हारे साथ, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया बिल्लू चंपत, अब ड्यूटी पर लग जाओ, हमको सारा खबर दोगे तुम, समझ गए? हाँ, समझ गए। 2 घंटे में चढ़ाई थी जादूगरनी ने, 2 मिनट में उतार दी, अब फिर से चढ़ानी पड़ेगी। किधर है? यही फाइल चाहिए थी ना? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। पुष्पा जी, जैसे ही करिश्मा सिंह आ जाए उन्हें हमारे केबिन में भेज दीजिएगा। आप ही ने उन्हें सस्पेंड किया था ना मैडम सर? बहुत याद आ रही है ना उनकी, हम सबकी भी यही हालत है, बहुत याद आ रही है करिश्मा जी की। यही तो मुश्किल होती है रिश्तों की, कितने पास है दूर जाकर ही पता चलता है। ऐसी कोई बात नहीं पुष्पा जी, वो बस ऐसे ही हमारे जबान से निकल गया था। उम्मीद करते हैं कि अब आप थाने में कंप्लेन आने देंगे और उनकी प्रॉपर FIR भी लिखेंगे। गेट बैक टू वर्क। चल मैडम जी, चल अंदर, और मैं तुझे छोड़ूंगी। अरे कर दूंगी मैं। अरे मैडम, मेरा कोट फट जाएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आय हाय, दीदा दिलेरी तो देखो इसकी, अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है इसे। मैडम आप इसे छोड़िएगा नहीं, जेल में डाल दीजिए इसको। इसके तो रोहू मच्छी की तरह टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। हाँ, एक मिनट, आप प्लीज शांत हो जाइए। क्या किया है इन्होंने? अरे इसने लड़की छेड़ी है, लड़की। हाँ अच्छा, तो फिर आप लड़की को क्यों नहीं लेकर आए साथ में? कहाँ है वो लड़की? अरे वो लड़की मैं ही हूँ मैडम, मैं क्या आपको सूखी मछली नजर आ रही हूँ? मैडम मेरी मार्केट में मच्छी की दुकान है, ये दरिंदा आया और मुझसे किस मांगने लगा है? मुझे लगा कि ये फिश मांग रहा होगा। ये गलती से फिश की जगह किस बोल गया है। फिर मैंने कान लगा के ध्यान से सुना, ये तो कमीना किस ही मांग रहा था। मैडम आप इसको छोड़िएगा नहीं, बंद कीजिए इसे अंदर। हाँ नहीं, ये तो गलत है भैया, आप क्या थोड़ा तो अपनी चॉइस का ख्याल रखते हैं आप। बिल्कुल सही ना यार, मतलब कोई संतोष जी से सुंदर होती तो समझ में भी आता, कहाँ फंस रहे थे यार तुम। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? भाभी आप सुंदर नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं, इनका औकात नहीं आपसे चुम्मा मांगने का। अरे मैडम मैं तो रुमाल पे किस मांग रहा था। और देखिए मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ, और उसी मान सम्मान से मैंने इनसे इस रुमाल पे किस मांगी, पूछ लीजिए इनसे। पर मांगी तो मांगी मैडम, छेड़ा ना, बंद कर दीजिए आप इसको, छोड़िएगा नहीं इस केकड़े की औलाद को। हाँ आप प्लीज चिल्लाना बंद करिए, आप तो भाई साहब अच्छे से शरीफ घर के पढ़े लिखे आदमी लगते हैं,
आपने इनसे किस मांगी ही क्यों? देखिए, मुझे इस रुमाल पे एक महिला के चुंबन का निशान चाहिए। वो तो किसी भी महिला का होगा, चलेगा। मगर एक बात बताइए, आपको क्यों चाहिए किसी भी महिला का रुमाल पे किस? ताकि मैं खुद को कानून की नजरों में एक धोखेबाज, चरित्रहीन और भ्रष्ट पति साबित कर सकूं। हैं? और मेरा किसी और औरत से भी संबंध है, ये भी साबित हो सके, तभी तो मेरी बीवी मुझे तलाक देगी मैडम। क्या? एक मिनट, क्या बकवास किए जा रहे हो? देखिए, आप चाहे जो कहिए, लेकिन इस रुमाल पे किस दे दीजिए। हम? माँ, देखिए तो हम। देखिए, आप लोग इतनी सारी महिलाएं हैं, एक किस कर देंगी तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी, आप ही कर दीजिए। वहां से ना थोड़ा दूर ही रहना पहलवान, और अपनी इमोशन को थोड़ा काबू में रखो, ना तो बता रहे बहुत खराब आदमी है हम। मैं करूं? एक मिनट, आप शांति से बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। शेखर, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं और अगर डिस्टर्ब्ड हैं, तो इसका सलूशन डिवोर्स तो नहीं है? आप अपनी बीवी से बैठकर बात करिए, डिस्कस करिए, आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मैडम। तो ऐसा खास छोटा प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमारी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, बाय द वे हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सट्रीमली खुश हैं। अम्मा, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सब कुछ अगर इतना सही से चल रहा है अपनी पत्नी के साथ, तो फिर तलाक क्यों चाहिए? यहाँ हमारा लल्ला जो है। पुष्पा जी, रिलैक्स। देखिए, मैं अपनी पत्नी पल्लवी से इसलिए डिवोर्स लेना चाहता हूँ ताकि उसको मुझसे आजादी मिल जाए, मुक्त हो जाए इस वैवाहिक जीवन के बंधन से, और फिर से वही हंसती खेलती चुलबुल चंचल पल्लवी बन जाए जो वो शादी से पहले हुआ करती थी। मैं उसको वैसा ही देखना चाहता हूँ जैसा मैं उससे शादी से पहले मिला था। शेखर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी बीवी के बारे में इतना सोचते भी हो, लेकिन हम अब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम उन्हें छोड़ना क्यों चाहते हो। देखो, अगर आप अपनी बीवी को आज़ादी देना चाहते हैं, तो फिर अपने प्यार की आज़ादी का आसमान बढ़ाइए, अपने प्यार के साथ साथ अपना साथ दीजिए अपनी बीवी को, उन्हें एहसास दिलाइए कि वो कितनी खास हैं, आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। बहुत छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे एफर्ट्स की जरूरत है। आप घर के काम में उनका हाथ बटाइए ताकि उन्हें मदद मिले। मैडम, सब कुछ किया, वो भी करके देख लिया। आपको पता है, जब मैं किचन में जाता हूँ तो मुझे किचन से निकाल देती है ये बोल के कि तुम्हें किचन का काम नहीं आता। जब मैं बच्चे संभालता हूँ तो बच्चे छीन लेती है कि तुम बच्चे नहीं संभाल सकते। तो एक काम कीजिए ना, आप सत्तू के पराठे बनाइए, बहुत आसान है बनाना, मैं आपको सिखाऊंगी। संतु जी, हमको भी कभी खिलाइए सत्तू का पराठा। नहीं नहीं, होता है, ऐसा ही होता है। जब भी मर्द औरतों की मदद करने अपनी रसोई घर में घुसते हैं ना, सब काम तमाम कर देते हैं। हाँ, लल्ला के पापा भी ऐसे ही थे, हालांकि अच्छा लगता था, मगर जब भी घुसते हैं ना मर्द, तो काम बढ़ा ही देते हैं। एक काम करिए, आप प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए, एक मेड, एक नैनी, एक ड्राइवर रख लीजिए, ताकि सारा काम जो है घर का वो लोग करेंगे और आपकी बीवी बहुत फ्री हो जाएगी, उनका सारा टाइम आपके लिए होगा। अरे, वो भी ट्राई किया मैडम, सब कुछ करके देख लिया। नहीं, देखिए, सच बताऊं तो उसकी एक ही दिक्कत है कि उसे नौकर चाकर मेड वेड सबसे बहुत प्रॉब्लम है। इतने नौकर रख लिए, इतनी मेड रखी, सबको निकाल दिया ये कह के कि तुम्हें काम नहीं आता। जब तक घर का एक एक छोटा बड़ा काम खुद नहीं कर लेती ना, उसे तसल्ली नहीं मिलती। मैडम, क्या बात कर रहे हैं भैया, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी अगर अच्छा काम करेगा तो कोई मालिक उसको काहे निकालेगा। अरे, लेकिन मेरी धर्म पत्नी के साथ ऐसा ही होता है सर। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आप कोई भी मेड मेरे घर भेज के देखिए, एक दिन के अंदर अगर उसने उस मेड को ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम शेखर नहीं। एक दिन? अब तो हम भी जानने में इंटरेस्टेड है कि आपकी बीवी को आखिर प्रॉब्लम क्या है। ट्राई करके देखते हैं। एक काम करते हैं, हम आपके घर लोग भिजवाते हैं काम करने के लिए। पुष्पा जी। जी मैडम जी। आप बनेंगी काम वाली बाई। हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आपका रिटायरमेंट कब ड्यू है? एक दिन के लिए जाना है ना, कर लेंगे। गुड। संतोष शर्मा, आप बनेंगी नानी, और चीता चतुर्वेदी, आप बनेंगे ड्राइवर। एक दिन के लिए ये तीनों आएंगे आपके घर काम करने के लिए, फिर देखते हैं आगे क्या समझ में आता है। हो जाएगा ना? जी मैडम। पल्लू, क्या है शेखर? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रहे हो? पता है ना, सुबह सुबह मुझे कितना काम होता है घर में। बोलो क्या हुआ पल्लू। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ।
क्या सरप्राइज है शिखर, जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। राम राम मालकिन, हमारा नाम जो है ना वो चमेली है और हम जो है ना आपकी नई नौकरानी है। अस्सलाम वालेकुम मैम साहब, हमारा नाम अब्दुल, हम तुम्हारा नया ड्राइवर हो ना। आमी पिंकी, तुम्हारी नानी। ओह माय गॉड, उड़ी बाबा। हाय दया, क्या हुआ? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इनकी एक्चुअली ये आदत है, थोड़ा सा लाउड रिएक्ट करती हैं ये। आप लोग घबराइए मत। क्या हुआ पल्लू? शिकु तुम जानते हो ना इन सबको लाने की क्या जरूरत थी, घर का सारा काम तो मैं कर लेती हूँ ना। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन पल्लू अभी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। हाँ। अब थोड़ा टाइम तो अपने लिए भी निकालो ना पल्लू। लेकिन देखो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आज से घर के सारे काम ये लोग संभालेंगे और तुम सिर्फ वही करोगी जो तुम्हें पसंद है। ओह माय गॉड, अब क्यों हो लो? शेखू, इतने साल से तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि मेरी पसंद और नापसंद क्या है। तुम्हें पता है ना मुझे घर का काम करना पसंद है, सबका ख्याल रखना पसंद है, फिर भी तुम। अरे पर मैडम, वो तो आप हमेशा करती आई है ना, एक तो दिन हमको भी तो मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, फिर आराम से तय कीजिएगा आपको हमारा जरूरत है का नहीं। आपको अच्छा ही लगेगा, भरोसा तो रखो हम पे, कह रहे ना हम। बड़ाबड़ बोली माँ जी। मरहबा मरहबा माता जी, ये पुट्टी का आवाज कितना मधुर होना, मैं साहब आप सिंगिंग काई को नहीं ट्राई करती। मेरी खातिर पल्लू प्लीज। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? मेरी दाल, ये हमेशा ऐसे ही करती है। ओह माय गॉड, हाय दया, क्या हुआ? ये देखो कितना कचरा यहाँ पर, ये दिखाएंगे जरा तुम्हें, हमें दो। अरे हम कर लेंगे, हम कर रहे हैं ना मैडम, हम कर लेंगे, हम कह रहे हैं ना। ये देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, परफेक्ट, देखा? चलो बेटा देर हो रही है। ये औरत का बहुत समोसा है, समस्या है। मैडम मैं क्या बोल? अरे सामने सामने देख कर चलाओ ना, अभी ठोक देते। ये अल्लाह मियां के पास चढ़ने का बहुत चौका चढ़ा इसको। आगे से राइट, नहीं नहीं लेफ्ट लेफ्ट। रुको रुको रुको, तुमसे नहीं होगा, मैं ही चला लेती हूँ। This is perfect. ऐसे चलाते हैं गाड़ी। Oh my God! हाय दया, क्या हुआ? ये क्या कर रही हैं? ये तो हम चाय का स्वाद देख रही वा। ये क्या है? ये तो चाय है। अरे कितनी उबाल दी है? ये देखिए। अब ये कहाँ है? इसे टी कलर चाट कहते हैं। देखिए, इस शेड की होती है चाय ब्राउनिश वाइट। हाँ, इस शेड की चाय पसंद है मुझे, और आपने तो पूरी चाय जला दी। आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। तो कैसी रही? बहुत बुरी मैडम सर, इनकी मोहतरमा बहुत इज्जत से बेइज्जती करती हैं। अगर वाइफ को इतना सारा काम खुद करना पड़ता है ना मैडम सर, तो मैं तो बहुत ही बुरी वाइफ साबित होंगी। नहीं संतू जी, नहीं, आपसे जिसका शादी होगा ना संतू जी, वो सारा काम खुद से करेगा, सौभाग्य होगा, खुशी खुशी मारेगा वो झाड़ू पोछा जाले साफ करेगा बर्तन। पुष्पा जी, आप इतनी चुप चुप क्यों है? क्या बताएं आपको मैडम सर, हमारे तो भाग ही फूट गए हैं। एक तरफ है इनकी पत्नी जो हर तरह से सर्वगुण संपन्न एकदम सुपर वुमन की तरह, और एक तरफ है हमारी हमारी बहुरानी करिश्मा जी।
बर्तन धोते समय तो उनको देखना चाहिए, ऐसा लगता है जैसे अपराधी को धो रही, और आटा गूंथते समय तो मतलब ऐसा लगता है जैसे आटे से कौन सा सच उगलवाना चाहती है वो। काश काश हमारी बहू रानी भी इनकी पत्नी की तरह होती, एकदम सुपर वुमन। शुक्र मनाइए पुष्पा जी की करिश्मा सिंह ऐसी नहीं है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से इनकी वाइफ गुजर रही है उस प्रॉब्लम से किसी भी औरत को नहीं गुजरना चाहिए। मैडम मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? इसे कहते हैं सुपर वुमन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में एक औरत घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहती है कि सारा काम परफेक्शन से हो, उसके तरीके से हो, लेकिन अकेले करना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों मैडम? इसका बेहतर एक्सप्लेनेशन हमारे वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट चीता चतुर्वेदी देंगे। देखिए भाई साहब, कहा है इसका मूल कारण जो है ना, वह हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की परवरिश और उनके व्यक्तित्व का गलत संरचना। गौर कीजिएगा संतु जी। मतलब सब लोग गौर कीजिएगा, क्या है कि हमारे देश में ऐसा लोग सोचते हैं ना कि अगर बेटी है, बीवी है, औरत है, तो उसको परफेक्ट होना चाहिए। सबको परफेक्ट बीवी चाहिए, परफेक्ट बेटी चाहिए, परफेक्ट पत्नी चाहिए, परफेक्ट ननद, परफेक्ट सास, ठीक है ना? और अगर गलती से भी औरत इन सब चीज में चूक गई तो औरत फेल। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शेखर, औरतों को पैदा होते से ही ना एक एग्जाम में डाल दिया जाता है और उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको पूरे नंबर लेकर आने। इसी प्रेशर की वजह से एक साधारण मासूम सी बच्ची बड़े होते होते परफेक्शनिस्ट बन जाती है, आपकी बीवी पल्लवी की तरह। अफसोस कि आपकी बीवी भी इसी बीमारी का शिकार है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बस उन्हें परवरिश ही ऐसी मिली है। तो क्या मुझे उसकी परवरिश फिर से करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। आप आ गए हैं ना यहाँ, हम कुछ करते हैं। पर मैडम सर, इनकी प्रॉब्लम हम लिखेंगे क्या? क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो लीगली किसी भी आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट या क्राइम के कैटेगरी में नहीं आती है। संतु जी, क्या कांटे का सवाल किए हैं आप। मिसिंग, मिसिंग रिपोर्ट की कैटेगरी में डालेंगे हम इनका केस, जहां एक औरत अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इनमें इतना ज्यादा खो गई है कि अब हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मिसिंग एफआईआर करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। अब अपराधियों को सजा सुनाई जाएगी बिना वर्दी के। ये बिल्ला कहाँ रह गया? I'm Billu the spy. तुम्हारी मैया की सासू मैया। मैडम मैडम मैडम, समझ के इस आँख से ना पूरा दिख नहीं रहा है, वो दर्जी ना जल्दी जल्दी में एक आँख ना आधी काट दी, इसलिए। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन तो मैं ही जीतूंगा। मैं नहीं, भी छोटा बॉन्ड आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के ही जाऊंगा। मैडम क्या कर रही है आप? क्या कर रहे हैं? चाबी घुमाना बंद कीजिए। काहे? पूरा लखनऊ आपके स्टाइल को जानता है, पहचानता है, तुरंत पहचान लेगा वो। बंद कीजिए। हमारा टोपा होगा। बस यही यही ये टोपा होगा, तुम्हारी मैया की सासू मैया चुरन होगा। दरोगा जी तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा। ये सब डायलॉग नहीं चलेंगे। देखो आपने जिस हिसाब से गेटअप लिया है ना, उस हिसाब से डायलॉग लीजिए ना। जैसे जैसे कि आपने पगड़ी पहनी है तो
चटनी हो गए तेरी सैया की मोड़ू मैं भैया आए पकड़ तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा ऐसे कई डायलॉग एकदम अलग अलग डायलॉग आप लीजिए चाबी घुमाना बंद कीजिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.